साहस सरोकार। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मांगा राज्यपाल से वक्त, डिप्टी सीएम तार किशोर के घर बैठक, बीजेपी ले सकती है समर्थन वापस। गिरफ्तार हुआ नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी, मेरठ से पुलिस ने तीन लोगों के साथ दबोचा। भारत म्यांमार सीमा पर फायरिंग, उग्रवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। भारत में कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में आए 12,751 नए केस, एक्टिव मरीज भी कम हुए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का हुआ भव्य समापन, भारत 61 पदक और चौथे स्थान के साथ बर्गिम को कहा अलविदा। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो श्रीकांत त्यागी गालीबाज नेता, उससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। उसे पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ अब इस मामले में बड़ी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है प्रशासन। गिरफ्तारी के बाद अब पूरी तरह से जांच किया जाएगा कि आखिर जो उसे गनर्स मिले थे किसने उसे दिलाया था। महिला से भद्रता के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है, नोएडा पुलिस ने इसे मेरठ से गिरफ्तार किया है। पुलिस की कई टीमें श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही थी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इसे जो गनर्स दिए गए थे किसने इसको गनर्स दिलवाए थे, साथ ही साथ इसकी जितनी संपत्ति है उसके उसकी भी जाँच चल रही है। अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कई टीमें इसकी तलाश कर रही थी। जिस फॉर्चुनर से श्रीकांत त्यागी चलता था उस फॉर्चुनर पर विधायक का टैग लगा हुआ था, जिसको लेकर भी जांच करेगी अब पुलिस। पार्टी में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ज्वाइन किया, उन्हीं के साथ वापस चले गए तो और वो पार्टी में कोई पद नहीं है और इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं पार्टी करती है, न कोई सिफारिश करता है, न ऐसे लोगों को बख्शता है। कानून सजा देगी और दंड से दंड, और संगठन सरकार दोनों मिलकर किसी व्यक्ति को नहीं बचाता भाई। पार्टी में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ज्वाइन किया, उन्हीं के साथ वापस चले गए तो और वो पार्टी में कोई पद नहीं है और इस प्रकार। संवाददाता सुशांत, उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या कुछ अपडेट है गालीबाज जो श्रीकांत त्यागी है उसको लेकर? चार दिन से फरार चल रहा था, अभी सुबह ही जल्दी सूचना मिली थी कि श्रीकांत त्यागी को मेरठ जोन से गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से एक टीम गठित करके वहाँ भेजी गई थी मेरठ, और श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गौतम बुद्ध नगर लाया जा रहा है और शाम 4 बजे करीब पुलिस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात साझा करी जाएगी मीडिया को, किस तरीके से श्रीकांत तिवारी कहाँ फरार था, कितने दिन में कहाँ बताए, किन लोगों ने इनका साथ दिया फरारी में, और बीच बीच में ये गाड़ी बदल बदल के अपनी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाके अपना लोकेशन ट्रेस कर रहा था। उस दौरान ही जब पुलिस ने, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इनका नंबर सर्विलेंस पे लगा रखा था, इनकी लोकेशन जैसे ही मेरठ की मिली पुलिस ने इन्हें गिरफ्त में ले लिया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुशांत। काकोरी एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी काकोरी शहीद स्थल पहुंचे, जहां पर सीएम ने क्रांतिकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देश में वीर शहीदों और शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर सम्मानित किया। जानकारी के मुताबिक शहीद स्मारक को तिरंगे की कलर की रोशनी में दुल्हन की तरह सजाया गया। और प्यारे बच्चों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। देश के क्रांतिकारियों को
विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई। भारत की ताकत भारत की सामूहिकता है। 135 करोड़ की आबादी जब एक साथ बोलती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते हुए मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती है। गाजियाबाद के डासा क्षेत्र में मुहर्रम के महीने में दो जगहों से ताजिए निकाले जाते हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम का यह पहला महीना है। साथ ही इस महीने की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है। इस दिन पूरे दुनिया में शिया सुन्नी जुलूस निकालते हैं और इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। सभी लोग आते हैं देखने के लिए और ये सुबह बरामद करने में बाहर हम ये 8-8.5 बजे के लिए जुलूस चलेगा तो इसी सीधे रास्ते से बड़े मकान सामने को होता हुआ पीछे जाए तो ये सरकारी स्कूल पे करबला है वहाँ तक ये 2:30 बजे तक करते हैं। अच्छा, किन की याद में मनाया जाता है, कैसे कैसे मनाया जाता है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में नबी के नवासी थे। ये ताजिया जो है जैसे इमाम हुसैन की याद में निकाला जाता है, जो इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नवासे थे तो उनकी शहादत जो कि करबला में हुई थी और ये ताजिया जो आप पीछे देख रहे हैं ये उन्हीं के रोजे की छवि है। तो उन्हीं की याद में जो उन्होंने इस्लाम के लिए दीन के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने पूरे घर की, जिसमें कि बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, 72 लोग थे टोटल मिला के, और उनकी कुर्बानी दी सिर्फ इस दीन को, इस्लाम को बचाने के लिए। हरदोई के मल्लावा थाने के ग्राम दारापुर में मेला देखने गए युवकों से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मेला देखने गए युवकों का दबंगों से विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जबकि इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी बघौली ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना मल्लावा क्षेत्र के दारापुर गाँव में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में कुछ आपसी कहासुनी हुई, इसके दौरान फिर उनमें आपस में मारपीट शुरू हो गई। इसके संबंध में थाना मल्लावा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर गश्त कर रहे सीओ की कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं घायल हुए सीओ सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अभी सीओ की हालत गंभीर बताई जा रही है। संबल में बजरंगी सनातन समूह ने अपना 5वां स्थापना दिवस साहू झुन्नी लाल की धर्मशाला में मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भावना सक्सेना मौसम गुप्ता द्वारा किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में धार्मिक ज्ञान प्रतियोगिता के विजयी प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग में विजयी हुए 11 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिसके बाद नगर के पत्रकारों शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी में विश्वविख्यात छोटी काशी गोला गोकरण के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गंगा जल की कावड़ भर कर पैदल परंपरागत तौर पर शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में सिद्धार्थ यादव के घर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ यादव घर पर मौजूद नहीं थे, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की शिकायत कर दी गई है। मैं सुबह गंगा नहाने गई थी, ताला लगा के मेरे चोरी हो गई। चोरी में क्या क्या चोरी हुआ आपके साथ? हार, नर, जाले, झुमकी, आड़ू, मेरी 2 जेंट्स की थी और पाए तोड़ियाँ थी, बच्चों की जेवर थी, तोड़ियाँ हाय और झुमकी थी और बेसर थी और पेन थी जो मैंने। समथिंग कितने का होगा आपका जेवर? 4.5 लाख। और कुछ क्या कैश भी करा है? कैश कितना था? 48,000 रुपये का ही आप रखे थे? सर काम था, मैं मुझे किसी को देना था, रजिस्ट्री अभी करवाई थी तो दूसरे से लेके तो उनको मैं देना था, इस वजह से मैंने कैश निकलवाया था।
बुलंदशहर शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव आचरू कला में रघुनाथ सिंह इंटर कॉलेज के पास खड़ी एक युवती को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जबकि टक्कर लगने से महिला सड़क पर गिर गई, जिसको मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि मृतक युवती पूनम शर्मा रघुनाथ सिंह इंटर आचरू कला में बतौर शिक्षिका के पद पर तैनात थी। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।